मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल राय जो आज यहाँ मौजूद हैं सफेद कलर की वाइट जीप में मौजूद हैं। गोपाल राय जी, आज आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप पहले तो प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि मंदिर, उसके बाद रोड शो पे निकलेंगे, इस मौके को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये दिल्ली के लिए अगले 5 साल की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में 5 साल अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के लिए काम किया और जनता आज पूरी दिल्ली उनसे मोहब्बत कर रही है। आज इस चुनावी मुहिम में आज नामांकन करके इस रोड शो के माध्यम से वो शुरुआत करेंगे और हमें भरोसा है कि जनता मोहब्बत और प्यार से जिस तरह से समर्थन दे रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। गोपाल राय जी, एक और बात सामने देखने को आ रही है कि जो विचारधारा के पेज है सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म, उससे बच के आपने सामाजिक सरोकारिक मुद्दों पर फोकस किया है। आपने जिस तरह से विचारधारा को बाईपास करके लोगों को काम किया है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट माना जाता है, तो आपको मानता है कोई चुनौती इसके बावजूद? देखो, अब तक जो राजनीति होती रही है, विचारधारा भी जरूरी है लेकिन लोगों का काम भी जरूरी है, तो हमारी कोशिश है कि विचारधारा के साथ व्यवहार को जोड़ करके काम किया जाए और आज दिल्ली उसके साथ खड़ी हो रही है। आपको लगता है मुख्य प्रतिद्वंदी इस वक्त कौन है? आपका कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, कौन मुकाबला देगी कड़ा आपको? देखिए, कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव में कहीं है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। अभी तो वो मुख्यमंत्री या कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, जब सामने आएगा कोई चेहरा तो फिर मुकाबला करेंगे। लेकिन इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे आपकी? नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी तो यही है कि हम जनता के साथ मिल करके डोर टू डोर कैंपेन हमारा चुनाव का मेन स्ट्रैटेजी है और 23 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं और उसके बाद जो है अलग अलग विधानसभाओं में कैंडिडेट्स की पदयात्राएं होंगी। अरविंद केजरीवाल जी का सेंट्रल प्रोग्राम होगा, ये 3-टायर सिस्टम हमारा होगा। तो ये थे गोपाल राय जी, जिनका ये कहना था कि वो डोर टू डोर जाके लोगों से वोट मांगेंगे और यही हमारी स्ट्रैटेजी का मुख्य केंद्र बिंदु है। कैमरामैन अश्वनी के साथ बिलाल सब्जवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।